The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, namaskar. Aaj hum baat karenge appendix ya appendicitis wale problem ke bare mein. Appendix kya hota hai? Appendicitis kya hota hai? जवान लोगों में, यंग लोगों में, टीनेजर्स में, बच्चों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है प्रॉब्लम, और इसके वजह से ज़्यादातर लोगों का यंग एज में ही ऑपरेशन हो जाता है. तो कई लोगों ने इसके बारे में, बल्कि ज़्यादातर लोगों ने इसके बारे में सुन रखा होगा, आस पड़ोस नहीं तो अपने खुद के घर में ही किसी ना किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ होगा, अपेंडिसाइटिस हुआ होगा. आज हम जानेंगे कि ये क्या बला है, क्यों होता है, कौन करवा रहा है, किसकी साजिश है ये, और एटसेट्रा एटसेट्रा. अपेंडिसाइटिस, एवरीबॉडी इज एक्साइटेड, यू कैन हियर द डॉग्स बार्किंग, लेट्स स्टार्ट. ओके, सो अपेंडिक्स होता क्या है? अपेंडिसाइटिस तो चलो एक वर्ड है, लेकिन वो बेसिकली डिपेंड करता है ऑन योर अपेंडिक्स. अपेंडिक्स इज द इन्फ्लामेशन ऑफ, अपेंडिसाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स. सो अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन अपेंडिसाइटिस. इन्फ्लामेशन मतलब इन्फेक्शन जैसी इरिटेशन. अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स पहले तो एक फिंगर जैसा सब्सटेंस है, पाउच है, जो आपके अथड़ियों के एंड में है, आंत के एंड में. दैट इज अ फिंगर लाइक पाउच विच इज कमिंग आउट फ्रॉम योर कोलोन ऑन द लोअर राइट साइड. नीचे राइट साइड में, लोअर साइड में आपके अपेंडिक्स है, और वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. कहने का मतलब है उसका आपके पूरे बॉडी में कोई काम नहीं है, कुछ काम नहीं आता आपके, बस वहाँ पे है, क्योंकि पहले पुराने, सदियों पुराना कोई होता होगा काम, अब वो वेस्टिजियल है. अपेंडिसाइटिस अगर होता है, मतलब उस अपेंडिक्स में कभी कोई खाना चला जाए, कोई बैक्टीरिया चला जाए, कुछ चला जाए, जिसके वजह से वहाँ इन्फेक्शन फैल जाए या वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाए, तो वो जहाँ है राइट लोअर एंड में, पेट के लोअर एंड में, राइट साइड में दर्द होगा. सिंपल, वहाँ दर्द हो रहा है राइट लोअर साइड में, तो वो अपेंडिक्स हो सकता है, ये पहले समझ लीजिए. इसलिए हर एक लोअर राइट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं लोअर राइट क्वाड्रेंट में, जब भी पेन होता है आपके, डॉक्टर अपेंडिक्स को अपने दिमाग में रख के आगे जांच करते हैं. ठीक है, मगर ये भी एक सच्चाई है, आपको समझना पड़ेगा कि शुरुआती फेज में अपेंडिसाइटिस का, अपेंडिक्स का जो दर्द है वो वहाँ पर नहीं होता. शुरुआत शुरुआत में वो कुछ लोगों में नाभि के आसपास हो सकता है, मोस्ट पीपल में, ज़्यादातर पेन नाभि से शुरू होता है, फिर वो धीरे धीरे सरक के राइट लोअर क्वाड्रेंट में चला जाता है. जैसे जैसे बढ़ता जाता है पेन, बढ़ता जाता है और ज़्यादा सीवियर होता जाता है, आप कितना भी रोक लो अपने आप को, अस्पताल जाना पड़ता है. फिर वहाँ डॉक्टर हाथ भी लगाता है, जरा सा दबाता है, छोड़ता है, शॉप पेन होता है, रिबाउंड पेन, रिबाउंड टेंडरनेस उसको बोलते हैं. सो दैट इज अपेंडिसाइटिस. फिर डॉक्टर बोलता है अपेंडिक्स है, ऑपरेशन करना पड़ेगा. फिर आप बोलते हैं वो यार ये क्या हो गया. सो ये किसी को भी हो सकता है, आपकी गलती नहीं है, आपने कुछ गलती नहीं करी. लेकिन सबसे कॉमन उम्र होती है इसकी 10 से 30 10 साल से लेके 30 साल की उम्र में सबसे कॉमन है. इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले और उसके बाद में हो नहीं सकता, हो सकता है, हो सकता है, मगर कम होता. स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, एक हाई ट्रीटमेंट इसका है ऑपरेशन. लेकिन यस, दवाइयों से भी कई बार आराम हो जाता है, हो जाता है. इसके बारे में पहले समझ लें, अगर कभी आपको अपेंडिसाइटिस होगा तो क्या क्या लक्षण आएंगे. पेन तो हमने देख लिया कि पेन है लोअर राइट साइड में, कभी बीच में नाभि के पास शुरू होकर फिर लोअर साइड में चला गया. अब पेन जो है उसके कुछ कैरेक्टर होंगे. नंबर वन, उसके साथ नौजिया, वॉमिटिंग, उल्टी और उपकाई आ सकती है. नंबर दो, उसके साथ में आपका भूख कम हो सकती है, एपेटाइट कम हो सकती है, लो ग्रेड फीवर हो सकता है. वो जैसे जैसे बुखार, दर्द बढ़ेगा, बुखार बढ़ सकता है. इसके अलावा जो पेन है वो खांसी करने से, वॉकिंग से, या कोई भी ऐसी ताकत वाला मूवमेंट करने से, जब एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ऐसे कोई भी मूवमेंट से बढ़ सकता है. इसके अलावा पेट में ब्लोटिंग हो सकता है, फ्लैटुलेंस पाद आ सकती है, और कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है. सो क्लियरली प्रॉब्लम आपके पेट में है, इंटेस्टाइन्स के प्रॉब्लम, मतलब पेट में सिस्टम में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में प्रॉब्लम है, पता चलेगा. इसका जो मेन कैरेक्टर है वो उसकी साइट है, लोअर राइट एंड क्वाड्रेंट में पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक. और कभी कभी अगर आप मान लीजिए, ऐसा भी हो सकता है कि
अपेंडिसाइटिस भी है और प्रेगनेंसी भी है फीमेल्स में, तो ऐसे केस में ये महसूस होता है कि पेन जो है अपर एब्डोमिन से आ रहा है, बिकॉज प्रेगनेंसी में ये जो इंटेस्ट ये जो अपेंडिक्स है ऊपर की तरफ पुश हो जाता है, क्योंकि यूट्रस बड़ा हो जाता है, नीचे से गर्भाशय बड़ा हो जाता है, तो अपेंडिक्स ऊपर पुश हो जाता है, तो उस केस में पेन जो है ऊपर भी महसूस हो सकता है। ये बात जानने लायक है क्योंकि दोनों मिक्स हो गए तो अजीबोगरीब सा सिचुएशन आएगा। तो ऐसा कुछ भी होता है तो डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर आपकी जांच करेंगे। मगर सबसे पहली बात यह है कि भाई ये होता क्यों है। ये होता है अगर अपेंडिक्स की लाइनिंग जो है अपेंडिक्स जो है वो ब्लॉक हो जाए, अगर किसी भी कारणवश कोई खाना उसमें चले जाए, कोई बैक्टीरिया चले जाए और ब्लॉक हो जाए, इन्फ्लेम हो जाए, सूजन आ जाए, उसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। अब इस हो गया तो क्यों ऑपरेशन कराना है, ऑपरेशन कराने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, नहीं करोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन? नंबर वन एंड द बिगेस्ट कॉम्प्लिकेशन इज कि अपेंडिक्स जो है फट सकता है, रप्चर हो सकता है। अगर रप्चर हो गया, रप्चर्ड अपेंडिक्स, तो क्या होगा, आपके पेट भर में जो अपेंडिसाइट अपेंडिक्स के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फूड प्रोडक्ट जो भी है, पस है, फैल जाएगा। जी हाँ, पस फैल सकती है, पस बन सकती है अपेंडिसाइट अपेंडिक्स के अंदर। तो वो पस आपके पेट में फैल गई, वो खाना फैल गया, वो इन्फेक्शन फैल गया, तो पूरे पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, लाइफ थ्रेटनिंग अर्जेंट इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है अगर अपेंडिसाइटिस को सही वक्त पे ठीक नहीं किया गया। वैसे तो अपेंडिसाइटिस के ऑपरेशन छोटा सा ऑपरेशन है, लेकिन अगर फट गया तो वो मेजर ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा, दूसरा कॉम्प्लिकेशन है कि उसमें पस बन सकती है, वो पस जो है पॉकेट बना सकती है जो पेट के अंदर, बहुत बड़ा पस अपेंडिसाइटिस, जो एप्सेस, अपेंडिक्यूलर एप्सेस बोलते हैं उसको, वो बना सकता है। इसको क्लियर करने के लिए एंटीबायोटिक्स तो चलते ही हैं, कोई डाउट नहीं है, एंटीबायोटिक्स चलते ही हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में अपेंडिक्स को निकालना पड़ता है। सो डायग्नोसिस कौन करेगा, कैसे करेगा? डॉक्टर करेगा आपके फिजिकल एग्जामिनेशन, पेट में हाथ लगा के एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रिबाउंड टेंडरनेस। रिबाउंड टेंडरनेस मतलब लोअर राइट हैंड कॉर्नर में, पेट के लोअर राइट हैंड कॉर्नर में हम दबाते हैं तब थोड़ा दर्द होता है, छोड़ते हैं, फट से छोड़ते हैं तो और दर्द होता है, बिकॉज दबाते हैं तो अपेंडिक्स थोड़ा दबता है, छोड़ते हैं तो अपेंडिक्स ऐसा बाउंस होता है, ऊपर नीचे भी होता है तो भी दर्द होता है। सो दैट इज द रिबाउंड टेंडरनेस। रिबाउंड टेंडरनेस इज क्लासिकल फॉर अपेंडिसाइटिस। तो डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, आपकी हिस्ट्री, आपके पूरे सिस्टम को देख के बता देगा ये भैया अपेंडिसाइटिस है, आपको चेक करना पड़ेगा। कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन करा के देख सकते हैं कि अपेंडिसाइटिस है और क्या है क्या नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस। इसके अलावा ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करा के देख सकते हैं कि और कहीं कोई किडनी स्टोन तो नहीं है, कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं है जो, और गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सारी चीज़ों के लिए अपने अपने टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन अपेंडिक्स के लिए अल्ट्रासाउंड बहुत एक टेस्ट, बेसिक टेस्ट तो होता ही है, उसके आगे टेस्ट डॉक्टर डिसाइड करता है। ट्रीटमेंट, अपेंडिसाइटिस यूजुअली नीड्स सर्जरी, ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है, बिकॉज अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो निकाल दिया तो छोटा सा उसके पहले एंटीबायोटिक ज़रूर देने पड़ते हैं कि इन्फेक्शन थोड़ा ठीक हो जाए, फिर हम ऑपरेट करते हैं। ऑपरेशन जो है वो छोटा होता है, माइनर होता है, माइनर सर्जरी है। इसको आप पूरा पेट खोल के भी कर सकते हैं, चीरा बड़ा मार के और दो तीन छेद करके लैप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं। सिंपल लैप्रोस्कोपी से आपकी हीलिंग जो है दो दिन में हो जाएगी, एक दो दिन में पूरी हीलिंग हो जाएगी, पेनलेस होगी, स्कारिंग नहीं होगी, कोई चीरा नहीं, कोई टाका नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। लेकिन ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सबके लिए नहीं होती। अगर अपेंडिक्स फट गया है, अगर अपेंडिकुलर एब्सेस है और फटने का रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो फिर लैप्रोस्कोपी नहीं कर सकते, फिर खोलना पड़ेगा, राइट? सो ये डॉक्टर आपके डिसाइड करेंगे कि आपके केस में कौन सा ऑपरेशन करना चाहिए, बेटर रहेगा, और हॉस्पिटल में आप एक या दो दिन के लिए रह सकते हो ऑपरेशन के बाद, डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेशन और रिकवरी। अगर पेट को चीरा मारना भी पड़ता है तो ज़्यादा बड़ा 2-4 इंच का चीरा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है? और वो भी लोग क्या करते हैं, आपके ऐसे नीचे करते हैं ताकि वो आपके अंडरगारमेंट से छुप जाए, तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है उसमें कराने में। लेकिन फिर भी अगर आपका ऑपरेशन होता है या आपको अपेंडिक्स का डाउट है, तो घर में ऑपरेशन के बाद में भी थोड़ा सा केयर करना होता है कि एकदम भारी सामान नहीं उठाना है, आपके खांसी करते हो तो पेट में थोड़ा सा सपोर्ट देना है, और अपना इन्फेक्शन बुखार के लिए चेक करना है, कोई इन्फेक्शन ना हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और कोई और अल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं है कि अपेंडिसाइटिस को ठीक करें। कोई भी अगर आप
अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हो पेन को कंट्रोल करने के लिए, तो वो कर सकते हो। पेन किलर लेने से अपेंडिसाइटिस ठीक नहीं हो जाता, रिमेंबर दैट। सो डोंट टेक द रिस्क, अपना डायग्नोसिस कराओ। अगर डॉक्टर को आपके लगता है अपेंडिक्स की ही प्रॉब्लम है तो फिर ऑपरेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन एंड प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। दिस इज डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, बाय।